नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दूरदर्शन रामायण इन दिनों टीआरपी पर पूरी तरह से छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर भी इसके कई स्टार्स अपने किरदार को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं। वहीं 8 ऐसे शो के मुख्य कलाकार ऐसे भी हैं जिनका करियर अंधकार में चला गया। कोई खुद का बिजनेस कर रहा है तो कोई कहीं पर रामकथा सुनाता है। चलिए आपको दिखाते हैं उनकी कल और आज की तस्वीरों के साथ पूरी डिटेल। रामायण के राम अरुण गोविल। दूरदर्शन रामायण के राम अरुण गोविल ने राम बनने के बाद कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिलहाल इन दिनों वह थिएटर शोज करते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। रामायण की सीता दीपिका। रामायण की सीता ने भी कई हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन लोकप्रियता सीता से मिली। कुछ समय पहले वह आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला में यामी गौतम की माँ की भूमिका में नजर आई थी। वह परिवार के साथ समय बिताती है और समय मिलने पर एक्टिंग भी कर लेती है। रामायण के लक्ष्मण। सुनील लहरी यानी लक्ष्मण के किरदार के लिए यही किरदार एकमात्र लोकप्रिय रहा है। सुनील लहरी ने भी कई शोज और फिल्में की, फिलहाल अब उनकी एड कंपनी है। रामायण के रावण। रामायण के रावण यानी अरविंद त्रिवेदी 82 साल के हो चुके हैं। कमजोरी के कारण घर पर ही रहते हैं। इसके साथ ही वह कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब वह घर से बाहर अधिक नहीं जाते हैं। रामायण की कैकेयी। कैकेयी के किरदार में पद्मा खन्ना ने भी काफ़ी नाम कमाया। वह हिंदी फिल्मों का पहचाना चेहरा है। फिलहाल वह US में रहती है और वहां पर डांस अकेडमी चलाती है। रामायण की मंडोदरी। रामायण की मंडोदरी भी आप सभी को याद होगी। उन्होंने भी कई फिल्में और टीवी शोज किए हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया। फिल्मी दुनिया से दूर वह भगवान की दुनिया में बस गई है। रामायण के जामवंत। रामायण के जामवंत का किरदार राजशेखर उपाध्याय ने निभाया था। उनका लुक और आवाज़ को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। फिलहाल वह अपने परिवार के साथ रहते हैं और एक्टिंग छोड़ चुके हैं। वह अपना गांव में रहते हैं और रामकथा का प्रचार प्रसार करते हैं। जहां बुलावा आता है वहां जाकर रामकथा का पाठ करते हैं। रामायण में राम के डुप्लीकेट। असलम खान ने रामायण में कई रोल निभाए हैं, जहाँ तक कि राम का डुप्लीकेट भी बनाया गया था। राक्षस और ऋषि के कई तरह के रोल किए। साल 2002 में उन्होंने फिल्म लाइन छोड़ दी। अब वे झांसी में रहते हैं और किसी कंपनी में काम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।